नगर पंचायत अतरौलिया के केसरी चौक मदियापाड़ आदि स्थानों पर उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा व थाना प्रभारी हेमेंद्र सिंह ने हमराहियों के साथ चार पहिया वाहन व दो पहिया वाहन की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान 25 लोगों का चालान काटा गया और 12 लोग का सम्मान शुल्क वसूला गया। वहीं नए शासनादेश के अनुसार चार पहिया वाहन पर सिर्फ 3 व्यक्ति तो वहीं दो पहिया वाहन पर 1 व्यक्ति ही विशेष परिस्थितियों में बाहर निकल सकता है तथा मास्क लगाना अनिवार्य है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के दृष्टिगत लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों तथा बिना अनुमति के गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। GGS News 24 ब्यूरो अतरौलिया आशीष कुमार निषाद की रिपोर्ट। ये जो नया शासनादेश आया है उसके अंतर्गत जो लोग बिना अनुमति के दोपहिया वाहन में दो सवारी बैठाल करके जा रहे हैं उन पर प्रथम बार में 250 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है और यदि उनका बार बार इसका उल्लंघन किया जाता है तो उसके पश्चात उनसे 500 रुपये जुर्माने की धनराशि वसूल की जाएगी। लोगों को प्रचारित इस बात का नगर पंचायत अतरौलिया में इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है कि दो पहिया वाहन में बिना अनुमति के दो लोग साथ में न बैठे जिससे कोविड वायरस का संक्रमण फैलने न पावे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग जो अभी भी गमछा मास्क या अपने आप को किसी भी आवरण से ढक करके नहीं चल रहे हैं बाहर निकल रहे हैं उन पर भी प्रथम बार में 100 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। आज यहाँ अतरौलिया कस्बा चौराहे पर बड़ी संख्या में इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और जो जुर्माने की धनराशि है वो वसूल की जा रही है लोगों से। आप देख रहे हैं GGS News 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।